तो आज जानेंगे तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का रिव्यू। फिल्म के नाम में झूठी और मक्कार है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये फिल्म इसके उलट है। फिल्म का प्रोमो देखकर लग रहा था कि ये एक और आम सी लव स्टोरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अलग है, कुछ फ्रेश है, कुछ ऐसा है जो ना सिर्फ यंग जनरेशन को बल्कि ओल्ड जनरेशन को भी अच्छा लगेगा। ये कहानी है रणबीर और श्रद्धा की। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, पहले किसको होता है ये फिल्म देखिएगा तो पता चलेगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है, बात शादी तक आती है और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट ही फिल्म की जान है। फिल्म रिलेशनशिप की बात करती है, फैमिली की बात करती है और बड़े खूबसूरत तरीके से करती है, बिना ज्ञान दिए काफ़ी कुछ बता देती है। फर्स्ट हाफ स्लो है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन सेकेंड हाफ में सारी कसर पूरी हो जाती है और फिल्म ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट करती है। फिल्म का म्यूजिक ज़बरदस्त है, गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बोरिंग नहीं लगते हैं। रणबीर श्रद्धा को देखना अच्छा लगता है। अरिजीत की आवाज़ में ओ बेदर्दिया लंबे वक्त तक याद रखा जाने वाला गाना बनेगा। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फर्स्ट हाफ में स्पेन के लोकेशंस बहुत अच्छे दिखाए गए हैं और रणबीर श्रद्धा के सीन्स को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया गया है। कुल मिलाकर ये फिल्म फ्रेश और एंटरटेनिंग है और जिसे ज़रूर देखना जाना चाहिए। अच्छे सिनेमा को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा ही नहीं। हर बार OTT फिल्म आने का इंतज़ार मत कीजिए, थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है, जाइए ज़रूर देखिए। थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।